आज तारीख है 2 जून 2022, समय हो गया है 10:57 AM। आपने जो आर्ग्यूमेंट रखी है या जिसने भी रखी है कि आर्टिकल 16 आईपीसी की धारा, आर्टिकल 16 के तहत भारत सरकार को निरस्त कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, तो मैंने जब निरस्त हो गए तो वहां तो आर्टिकल खाली हो गया ना। वो स्टेप निरस्त करने का है तो प्रोसेस करने का भी होता है मैडम, सेम आर्टिकल में होता है, ऑन एंड ऑफ, इसे ही असेंबली बोलते हैं। 10 कोड नहीं पता क्या आपको? आप ब्रिटेन में जाके पता तो करो, असेंबली का दरवाजा कब कौन सा खुला है तब आपको पता लगाना पड़ता है। अगर बाहर से दो पल्ले के दरवाजे को आप देखोगे, जी हाँ, जिसमें जो बीच से दो हिस्से होता है, उसमें पहला वाला पल्ला 1 होता है, दूसरा पल्ला 0 होता है मैडम, ऑफ कंडीशन होती है। ऑन कंडीशन में पहला वाला पल्ला खोला जाता है मैडम। अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं। और रह गई बात इसकी कि भारत सरकार हम प्रशस्त कैसे कर सकते हैं मैडम, क्यों नहीं कर सकते? भारत सरकार में रा, भारत में रा और सरकार में रा मेरे अंगूठे पे है मैडम, जन्मजात है। मैं नहीं मानता रूस को, वहां ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं। मैं नहीं मानता इस्लाम को, मैं नहीं मानता अन्य धर्मों को। मैं श्री राम भक्त था, हूं और रहूंगा। और रह गई बात इसकी कि बचपन से आपको जिस धर्म में रखा गया किसी और में रख लेते ना, मैंने कहा था आपको लगा लेते जोर, तब क्या अमेरिका के पास आर्मी नहीं थी, रूस के पास आर्मी नहीं थी, क्या पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं थी, तब क्यों नहीं बल प्रयोग किया आपने? उतने समय से मेरे पे जिस प्रकार से एसपीजी अटैक किए गए, पाकिस्तान हो, रूस हो, अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, किसने नहीं किए? तब तो पूरी मारने की कोशिश की गई है मुझे। किस मुंह से आज पाकिस्तान जो है मुझे चांद मानेगा अपने ध्वज में? और रह गई बात इसकी कि भारत सरकार किस आधार पे, तो मैडम ध्वज आपने देखा है, ध्वज में चक्र बना हुआ है, चार से चक्र होता है मैडम। ध्वज तो है ना, उसी ध्वज को जो है भारत में क्या कहते हैं, सबने जो है इंपॉर्टेंस दी है, सब उसी ध्वज को सैल्यूट करते हैं, चाहे कोई भी हो। मेरा रैंक है मैडम, भारत सरकार में चक्र रैंक है, मेरा ध्वज है, सब सैल्यूट मुझे करते हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं भारत सरकार का, था हूं और रहूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि कैसे, तो मैडम हम इतने ओबिडेंट हैं कि अगर अंग्रेजों ने आईपीसी की धारा, जी हाँ, 1937 में आईपीसी की धारा 16 में भारत सरकार को निरस्त किया, तो हमने पूरी 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 आज्ञाकारिता मानते हुए आज तक उस बात को क्या कहते कायम रखा। और आज हमने जो है क्या कहते 2 जून 2022 को रात्रि 1:30 पे हमने भारत सरकार प्रशस्त कर दी, तो इसमें आपको एतराज किस बात का, किस लिए? पैसा मेरा था, है और रहेगा, मैं जहां मर्जी इस्तेमाल करूं। आप चाहें तो विश्व मानवाधिकार आयोग में आ जाएं, बिल्कुल, युद्ध आप लोग चाहते हैं, हम नहीं चाहते। भारत में बैठ करके आप काबा का कानून चलाना चाहते हैं, क्यों? वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी बात को लेकर के आप भारत के जगह जगह मंदिरों पे आप हमले करते हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तब नहीं दिखाई देता आपको? आपके और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। आपका अंतिम संस्कार जमीन में दबा के किया जाता है, कहीं आपको जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, हमारे अग्नि संस्कार है मैडम। मैं क्यों मानूं किसी और देश को, मैं नहीं जानता वहां की भाषा, सिखा देते मुझे कोई और सी भाषा आप। मैंने हिंदी भाषा सीखी है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन जानता हूं मैं। क्यों भारत सरकार में बैठे हुए लोग, अगर आप खुद अपने मुंह से यह कह रहे हैं, इससे पहले की दसियों बार आर्गुमेंट में सुबह से सुन चुका हूं, कल सुनी, परसों सुनी मैंने, कि भारत सरकार तो कभी थी ही नहीं, नहीं थी तो आज बना दी,
अगर आप नहीं होने का, जी हाँ, अगर आप नहीं होने का आर्ग्यूमेंट देते हो तो आज मैं आर्ग्यूमेंट देता हूं कि भारत सरकार है। क्यों नहीं मानोगे आप? ना होने का भी तो आप हवाला दे रहे हो। अगर भारत सरकार के निरस्त होने का कारण आप बता सकते हो तो भारत सरकार के प्रशस्त होने का कारण मैंने बताया आपको, और मुझे पूरा अधिकार है। अगर आप आर्ग्यूमेंट में हो तो आपको जवाब देना होगा मुझे। आपने आर्ग्यूमेंट शुरू करी ना कि भारत सरकार निरस्त है 1937 में आर्टिकल 16 के तहत, ये आपकी आर्ग्यूमेंट है। मैंने आपकी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करी, अब आप मेरी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कीजिए। मैंने 2 जून 2022 को, जी हाँ, रात्रि 1:30 पे बिना किसी दबाव में, पूरे होशो आवास में, मेडिकली फिट हूं मैडम, सुबह रनिंग करके आया हूं, मैंने भारत सरकार प्रशस्त करी। जी हाँ, और भारत शब्द हिंदू है, बिल्कुल था, है और रहेगा। मैंने आईसीजे के अंदर ब्रह्मांड पुराण का हवाला देते हुए मैंने बताया मैडम कि भारत शब्द इसमें यहां पे वर्णित है और इसका वर्णन बताया गया है। मैंने बताया आपको संस्कृत का वो श्लोक, भारत की संस्कृति संस्कृत में छुपी है। क्यों नहीं आप मेरी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करोगे? मैंने बनाया है देश, आप में है दम तो रोक के दिखाओ आप हमारे को। किस लिए, किस बात का दमखम दिखाते हैं आप? जब इस्लामिक वर्ल्ड बनाने के लिए आप लोग ललायत हो रहे हैं तो मैं भारत सरकार में हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाऊं? कौन है मोदी और कौन है आप लोग? भारत के अंदर हिंदू नहीं रहेंगे, श्री राम भक्त नहीं रहेंगे। कमलेश तिवारी की हत्या मैंने करी, आप लोगों ने करवाई। सरे आम उस लड़के का गला काट दिया गया भारत के अंदर। आप अगर यह बात कह रहे हैं कि 1937 में भारत सरकार निरस्त की गई तो आपको यह बात लिखनी होगी कि 2 जून 2022 को रात्रि 1:30 में हितेश मंडल पुत्र श्री सुरेश मंडल ने भारत सरकार प्रशस्त की है। और कैसे करी है? क्योंकि यह वो हिंदी के शब्द है जो उसके शरीर पर जन्म जात है, जिसका डीएनए और जिससे सीड मांगने के लिए सारे देश की औरतें लगी हुई है लाइन में। ये क्यों नहीं सच बताते आप? ये भी तो बोलो। आए ना, बोलो। ये बाइक वाला आपका जानकार नहीं है जो मोटरसाइकिल पे गया ताकि वीडियो में आवाज आए? अब क्यों आपकी बोलती बंद है आप सबकी? क्यों यहां पर सुपर वॉइस चलवा रहे हो? क्यों हॉटलाइन हैक कर रहे हो? क्यों मेरा डाटा हैक कर रहे हो? क्यों औरतें पेश की जा रही है मेरे से बच्चा पैदा करवाने के लिए? सच बोलो ना। डर लगता है कि इस्लाम की पोल खुल जाएगी, रूस की पोल खुल जाएगी, इवन का ट्रंप की पोल खुल जाएगी। पैदा हुए बच्चे जो आपके घर के अंदर है वो जेनेटिक नहीं है, मेरा जीन चाहिए आपको, मेरे से बच्चे पैदा करवाने हैं। ये क्यों नहीं सच बयान करते? अब शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं दूंगा मैं सीड, बस। मेरे तीनों बच्चे भारत सरकार एसपीजी थे, हैं और रहेंगे, बस। शौर्य, ध्रुव और धान्या तीनों भारत सरकार एसपीजी हैं और मैं बनाऊंगा उनको। एकदम तो रोक के दिखाओ। मैंने कहा आपको मेरा बेटा अकेला ही काफी है, पूरे पाकिस्तान का सफाया कर देगा वो। क्या आप लोगों ने उसको किडनैप करने की कोशिश नहीं करी? बोलते क्यों नहीं सच्चाई? अपने घर में पैदा हुआ बच्चा पसंद नहीं है आपको? वो बच्चा बच्चा नहीं है? सच्चाई क्यों नहीं बयान करते? है तुम तो सामने आके बात करो, सुपरवाइजर से बात करती हो, क्यों नहीं बोलती रूबी का लियाकत? सच्चाई बोल।
मैंने इनको उसी दिन आईसीजे में सबसे पहले मैंने भारत शब्द दिखाया, ब्रह्मांड पुराण के अंदर मैंने श्लोक दिखाया, अध्याय दिखाया कि ये है ब्रह्मांड पुराण, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है जो भारत के अंदर, जी हां, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कुछ समझते नहीं है। अब बताओ भारत सरकार कैसे नहीं बनाने दोगे तुम? मैंने बनाई भारत सरकार, जी हां, बिहार से मेरे को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया गया है और दिल्ली के अंदर एससी के अंदर आते हम लोग, अब क्या करोगे? मैंने कहा ये लिस्ट बनाने के लिए जातिवाद आपने शुरू किया ताकि भारत के टुकड़े किए जा सके। जेएनयू के अंदर नारे लगवाने वाले आप लोगों, भारत के टुकड़े करने के है तुम, गायब कर दूंगा तुम्हें, गायब। लाइन लगी पड़ी है, लाइन हर देश की औरतों की, हर राज्य की औरतों की, हर धर्म की औरतों की, बच्चे पैदा करवाना चाहती है मेरे से, नहीं करूंगा। बस ये क्यों नहीं सच बयान करता इस्लाम, ये क्यों नहीं सच बयान करते ईसाई, क्यों नहीं सच बयान करते ज्यूइश? अपनी औरतें पेश करते हो, शर्म नहीं आती? मैं भारतीय था, हूं और रहूंगा। नीचता की हद पार कर रखी है आप लोगों ने, नीचता की। क्या औरतों का मान सम्मान है आपके धर्मों में? मैं भी तो सुनू, कौन है वो ब्राह्मण बोल? अब नहीं दिखता मैं तुम्हारे को अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का है? अब नहीं दिखता मैं आपको एससी? अब तो बड़ी जल्दी से एससी से बच्चे पैदा करवाने को तैयार हो, बोलो। क्यों अब शर्म आ रही है? अब कहां गया इस्लाम? अब कहां गया ज्यूश? कहां गए ब्राह्मण? बोलो ना, मैं भी तो सुनूं, कहां गई इवनका ट्रंप? अपने घर में बच्चे पैदा करके आई हैं, वो पसंद नहीं है इनको, और भारत सरकार बना रहा हूं तो इनको परेशानी हो रही है। भारत सरकार बन के रहेगी, आप रोक नहीं सकते मुझे।